नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू भाजपा दफ्तर में टिकट कटने वालों ने किया हंगामा। पार्टी ने सुबह 10 बजे 44 नाम किए थे जारी, वहीं 2 घंटे बाद नाम कट कर रह गए 15। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय ने जुर्म कबूला। पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा, घटना से पहले पी थी मैंने शराब। संजय ने कहा, रेप के बाद ट्रेनिंग डॉक्टर का किया था मर्डर। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा। नए जिलों की घोषणा से पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, अब इनकी संख्या बढ़कर हो जाएगी 7। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण केस में आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री बोले, वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब। दिल्ली में अवैध पेड़ कटाई पर हुआ विवाद, मिली भगत कर अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली एलजी पर लगाया आरोप। गुजरात में बारिश का तांडव जारी, बाढ़ में डूबे कई इलाके, आईएमडी ने कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने की 39 लोगों की हत्या। बलूचिस्तान में हाईवे पर हमलावरों ने लोगों के आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों की गोली मारकर की हत्या, मरने वाले सभी मुसाफिर थे। रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हुआ हमला, 38 मंजिला इमारत से टकराया ड्रोन। पलटवार में यूक्रेन के 12 शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा, रविवार देर रात होमगार्ड और स्टूडेंट्स के बीच हुई झड़प, झड़प में 50 लोग हुए घायल। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 120 अंक की बढ़त रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां, बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोला है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोमवार को रोहतक में भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में समर्थन देगी। दरअसल जन्माष्टमी पर रोहतक में भाजपा के प्रदेश चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने कांग्रेस से सवाल किए। आपको बता दें कि सैनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला अपने नेता राहुल गांधी से पूछकर बताए कि क्या जम्मू व कश्मीर में धारा 370 आर्टिकल 33 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा का कांग्रेस समर्थन करती है। वहीं सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस व फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसे वायदे किए हैं जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि वे कांग्रेस के प्रदेश व केंद्रीय नेताओं से जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे दलितों, गुज्जर, बकरवाल व पहाड़ियों के आरक्षण को खत्म करने का समर्थन करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस अपनी योगी पार्टी के जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का समर्थन करती है। इनेलो के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय नफे सिंह राठी के पुत्र पार्षद जितेंद्र राठी का नाम इनेलो बसपा गठबंधन के बहादुरगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर तय किया गया है। दरअसल इसकी सूचना पार्टी को दी जाएगी, वहीं अब पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशियों के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी। बता दें पिछले दिनों इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने नफे सिंह राठी के परिवार को विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद ही परिवार ने आपसी विचार विमर्श कर रविवार को जितेंद्र राठी के नाम की घोषणा की है। वहीं एक पत्रवार्ता में स्वर्गीय नफे सिंह की पत्नी शीला राठी व परिवार के सदस्यों ने मिलकर ये घोषणा की है। बताते चले कि प्रेस वार्ता के दौरान शीला राठी ने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी स्वर्गीय नफे सिंह राठी के हत्यारोपितों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, वहीं साजिशकर्ता भी खुलेआम घूम रहे हैं। विधानसभा में उनके पुत्र जितेंद्र राठी की जीत नफे सिंह राठी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ताकि बहादुरगढ़ से भय व भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके और हलके का समूचा विकास कराया जा सके। जितेंद्र राठी ने कहा कि आज बहादुरगढ़ हलका विकास के मामले में कई वर्षों पीछे चल रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य के अपने 10 साल के कार्यकाल में भाजपा ने कांग्रेस के समय की जिन बड़ी विकास परियोजनाओं को बंद करा दिया था, उन्हें दोबारा से चालू किया जाएगा।
दरअसल उन्होंने प्रदेश के लोगों से हर वर्ग और जाति के कल्याण के काम करने का वादा करते हुए कहा कि बुजुर्ग लोगों को 6,000 रुपए मासिक पेंशन देने के अपने वादे पर कांग्रेस अडिग है। उन्होंने राज्य में खेलों के कम बजट पर भी भाजपा सरकार की घेराबंदी की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह अरोड़ा और पूर्व सदस्यों को कांग्रेस में शामिल कराया। वहीं करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हुई है। करनाल में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विरुद्ध कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकने वाले सरदार त्रिलोचन सिंह भी लगातार पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बताते चले कि उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान ही हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन का फैसला लिया गया था। इस फैसले को सही ठहराते हुए न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगाई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की तैयारी जिला प्रशासन ने तेज कर दी है। वहीं 5 सितंबर से गुड़गांव, पटौदी, बादशाहपुर और सोहना के SDM कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि नामांकन करने के दौरान उम्मीदवार के साथ 4 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और रविवार 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम जरूर होना चाहिए। उम्मीदवार अलग पंजीकृत पार्टी का हो तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होना चाहिए। इसके अलावा निर्दलीय व गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए। उम्मीदवार किसी दूसरे जिले से आकर यहां चुनाव के लिए फॉर्म भरता है तो वह अपनी पार्टी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवाकर साथ लेके आना जरूरी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं में रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच लोकसभा चुनाव से ही अपनी पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने गुरुग्राम में हुई 2 दिवसीय चुनाव समिति की बैठक में 3 टिकट की मांग की है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने हिसार की 2 विधानसभा और फतेहाबाद की 1 सीट पर परिवार की दावेदारी जताई है। आपको बता दें कि कुलदीप ने बेटे, भाई और दोस्त के लिए टिकट मांगी है और कुलदीप को पूरी उम्मीद है कि भाजपा कम से कम 3 टिकट तो उन्हें दे ही देगी। उनके इस बयान के बाद भाजपा नेताओं की टेंशन और बढ़ गई है। इनमें एक सीट नलवा भी है। यहां रणवीर गंगवा विधायक है जो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। कुलदीप इस सीट से अपने दोस्त रणधीर पनिहार के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। फतेहाबाद से चचेरे भाई डूडाराम और आदमपुर से बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा के विधायक हैं, जहां पैच नलवा सीट पर ही फंसने के चांस हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।